सिंटामोल ड्रॉप जो कि बनाया जाता है सिंतूर फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। पैरासिटामोल्स इसके अंदर पीडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन होता है और ये 30 रुपये का, ये 15 ml का सस्पेंशन रहता है जो कि बच्चों को दिया जाता है। जब बच्चे को दर्द होता है या फीवर आता है, बुखार आता है, तब इसको दिया जाता है। ये रिलीफ करता है दर्द से, हेडेक से, जॉइंट पेन से, मसल पेन से और दांतों के दर्द से भी रिलीफ देता है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूज, जस्ट बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कैसे यूज होता है, ड्रग कैसे काम करेगा, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का है, डोज में सुझा तो कैसे लेने का और इसका सब्सिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि आपको सिंटामोल ड्रॉप के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो यह वीडियो केवल एंड केवल मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी मेडिसिन या कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। सिंटामोल ड्रॉप जो कि बनाया जाता है सिंतूर फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। पैरासिटामोल्स इसके अंदर रहता है और ये 30 रुपीज़ का, ये 15 ml का एक सस्पेंशन रहता है जो कि पीडियाट्रिक यूज़ के लिए रहता है। अगर इसको डॉक्टर के द्वारा रिकमेंडेड किया जाता है जब फीवर और पेन होता है, तब ये पेन में जैसे कि सर के दर्द में, जॉइंट दर्द में, मसल के पेन में और दांतों के दर्द में भी इसको यूज़ किया जाता है। अगर आप इसको डॉक्टर की सलाह से नहीं और खुद से दे रहे हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दे रहे हो, तो बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है, बच्चे को उल्टी जैसा लग सकता है और उल्टी भी हो सकती है। तो ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि आपको हो सकता है। तो जब भी इसको यूज़ करें तो डॉक्टर की सलाह से यूज़ करें, डॉक्टर जितना डोज और ड्यूरेशन बोले उतना यूज़ करें और इसका फिक्स टाइम और फिक्स डोज रखें ताकि बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो ये काम कैसे करता है, तो इसके मैकेनिज्म की बात करूँ तो इसके अंदर जो दवाई डाली गई है वो एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक है जो कि पैरासिटामोल से है, जो कि पेन और फीवर से रिलीफ करती है और ब्लॉक कर देती है सर्टन केमिकल मैसेंजर को जिससे पेन और फीवर कम हो जाता है। तो ऐसे काम करती है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पर पूछ सकते हो। चैनल पर और वीडियो पर पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।